कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें मैं उसमें एक अच्छी देख रहा हूँ चीज, वो ये है कि बहुत ही नपे तुले अंदाज में आज पहली दफा मैंने देखा है कि रेजिम चेंज के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस इलेक्शन के नतायज की ना ही ओनरशिप ली गई है और ना ही ये कहा गया है कि जनाब हम इस हकूमत के साथ डट कर खड़े हैं और हम इसके दस्तो बाजू हैं, बल्कि ये कहा है कि हम पीसफुली जो हुआ उसमें उसका क्रेडिट लिया है। बाकी उन्होंने कहा ये मैंडेट जो दिया है ये इलेक्शन कमीशन का दिया गया मैंडेट है, इससे हमारा अफवाज पाकिस्तान को कोई ताल्लुक नहीं है जनाब। अच्छा, एक तो सामिर शाकिर साहब, आप बॉर्न ऑप्टिमिस्ट हैं, क्योंकि मैं किसी और का वीलॉग देखूं ना देखूं, आपका मैं जरूर देख लेता हूं, तो आप बॉर्न ऑप्टिमिस्ट हैं। आपने हमेशा पॉजिटिव एक चीज की उस डायरेक्शन देखनी होती है, कभी पीछे मुड़ के आपने नहीं कहा कि मैंने जो पॉजिटिव चीज कही थी उसके बाद में क्या हुआ है। अच्छा, अभी कोर कमांडर्स की प्रेस जो रिलीज है ये मैंने भी देखी है। पहली बात तो यह है कि कोर कमांडर्स की 263rd फॉर्मेशन कमांडर्स की जो मीटिंग हुई है, देखिए अंदर मीटिंग में क्या होता है वो किसी को नहीं पता होता, कभी बात निकली नहीं, मतलब प्राइवेट सोर्सेस से पता चलता है कि ये भी बात हुई थी, ये भी बात हुई थी। जो कुछ अंदर बात होती है और जो इसकी प्रेस रिलीज इश्यू की जाती है, दोनों में शायद बहुत ज्यादा फर्क होता है। और प्रेस रिलीज जो है वो वही होती है जो कि आर्मी चीफ चाहते हैं, जो वो मैसेज देना चाहते हैं वो उन्होंने दिया यहाँ पे। एक तो उन्होंने इसमें जो मुझे समझ आई है कि इलेक्शन के नतायज से अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि हमारा हमने तो इस इलेक्शन को सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की, जिसकी वजह से एक पुरअमन फजा के अंदर पीसफुल तरीके से इलेक्शन जो है वो हो गए। फिर उन्होंने दूसरा जिसपे बहुत एम्फेसिस नजर आ रहा है वो ये कि मई 9 के जो लोग वाकयात के जिम्मेदार हैं उनको जिस तरह से कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, यहाँ आप कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया, यहाँ वो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट तो किया जा रहा है। जिस तरह से अमरीकन हुकूमत ने अभी तक खुल के, मेरा ख्याल है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने तो वेलकम नहीं किया शहबाज शरीफ की हुकूमत को, ना किसी ने कॉल किया है, ना उन्होंने कोई इसके बारे में स्टेटमेंट दी है, ना ही स्टेट डिपार्टमेंट ने फॉर्मल प्रेस रिलीज नहीं इशू की, लेकिन डोनाल्ड ब्लूम से ट्वीट करवा दिया गया। उसके बाद एक सवाल पूछवाया गया यहाँ वॉशिंगटन में मैथ्यू मिलर से, उसके ऊपर मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट तरीके से मरियम मरियम नवाज की तारीफ कर दी गई। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जनरल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने बिलवास्ता तरीके से शहबाज शरीफ हुकूमत को सपोर्ट किया, ये कह के कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा है कि मई 9 जो है उसमें हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं और हम उनको बड़ी सख्त सजाएं देंगे। तो मुझे कोई इसमें बहुत पॉजिटिव चीज नजर नहीं आ रही, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उनको प्रेशर ये है कि मौलाना फजल रहमान जो कि एक्चुअल लंदन प्लान का हिस्सा है वो भी चूंकि शोर मचा रहे हैं, और चूंकि मौलाना का दुखड़ा बिल्कुल समझ आता है, मौलाना की बात बड़ी लॉजिकल है, उनको पता है कि एमक्यूएम को असल में 0 सीट मिली, उनको पता है कि नून लीग की असल सीटें 15 15 हैं, उनको पता है कि पीपीपी की असल सीटें शायद 30 हैं। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज मौलाना ये सोच रहे हैं कि कुछ सीटें अगर इतनी बंदर बांट हो ही रही थी तो कुछ सीटें जो है वो मौलाना फजल रहमान को भी दे दी जाती, सो ही सीज अ बेटरेयल, और उस पर वो बड़े नाराज हैं। और यही परेशानी वहां पर पीएमएलएन को भी है मौलाना के दुखड़े पे, और यही परेशानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को भी है। तो मुझे कोई इसमें कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है मुझे इस पूरी सूरत हाल के अंदर, शक है सच आप में। मायूस हैं वजाहत सईद खान साहब। मेरा टेक जो है वो थोड़ा सा ये है सर कि ये थोड़े से टोन डेफ हो गए हैं। वही जो एक क्लासिक प्रेस रिलीज होती है, पहला पैराग्राफ बिस्मिल्लाह मान रहीम, दूसरा पैराग्राफ कश्मीर, तीसरा पैराग्राफ फलस्तीन, चौथा पैराग्राफ दहशतगर्दी, पांचवा पैराग्राफ हम इकट्ठे हुए हमने चाय पी, छठा पैराग्राफ अच्छा हमने ये भी बात की कि एक इलेक्शन भी हुआ है, वो बाय द वे इलेक्शन हमने बड़ी कुर्बानियां दे के करवाया है, हमारे और बहुत काम है, हमने तुम्हारे सालों के लिए इलेक्शन करवा दिया एट ग्रेट पेरल, ये मैं उनकी जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमने बहुत बहुत हमारा हम बिजी थे तुम लोगों के लिए, हमने इलेक्शन करवाया, इलेक्शन करवा के अजीब बदतमीज हो तुम लोग, एक तो हमें ब्लेम कर रहे हो, हमारा इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्या बकवास कर रहे हो, गवर्नेंस पे जो है टाइम लगाओ, एडमिनिस्ट्रेशन पे टाइम लगाओ, और तुम लोगों के जो पोलिटिकल और सोशल मीडिया के जो अनासर हैं वो तंग कर रहे हैं, बंदे बनो, जुडिशल प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस फॉलो करो, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, ये जो 6 7 इनके वो थे। इससे होता ये है कि ये एक जो दड़ाड़ है, मैं बार बार कहता हूं, हमने पिछले अपने शोज पे भी बात की, फौज बड़ी डिपेंडेंट है नेशनल सेंटिमेंट पे, हर फौज होती है, हर फौज का ये अजम होता है कि वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करे, हालांकि वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं होती, मगर ये हरकतें करके ऐसी एनवायरमेंट में जब कहीं कोई दरवाजा जो है खाली पीटीआई के लिए नहीं, किसी के लिए भी, जिसे भी किसी किसी किस्म का इंसाफ चाहिए, महमूद अचकजई को देख लें, वो पीटीआई में नहीं है, उसके साथ भी ज्यादतियां शुरू हो गई हैं, हालांकि इनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया, इसके बावजूद आपको नहीं मिल रहा इंसाफ, मुझे नहीं मिल रहा, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं मिल रहा, मगर दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द इलेक्शन,
एक टोन डेफ, एक बहरे हो गए, डोरे हो गए, ये इन्होंने इधर ब्लाइंडर्स लगा लिए, जैसे घोड़े नहीं होते वो लोअर कैंट में जो अलाउड होते हैं अभी, ऐसे ऐसे जो घोड़े लगा के चलते हैं, ये वैसे चल रहे हैं। और आई थिंक ये अल्टीमेटली हम किसी टिपिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जिधर किसी किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल फेस ऑफ शायद जुडिशली हो या कहीं और हो, क्योंकि ये हमें कहने लग गए हैं, पीटीआई को कहने लग गए हैं, वोटर्स को कहने लग गए हैं, मीडिया को कहने लग गए हैं कि तुम्हारी तनकीद गैर आइनी है। और मुझे जो सबसे बड़ा अंदेशा है वो ये है कि सोशल मीडिया का लफ्ज कम से कम 3 बार इस्तेमाल हुआ है इस प्रेस में। मैंने पहले नहीं देखा कि फौजी जो हैं वो इतने उनके प्रेस रिलीजेस यूज्ड टू हैं सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। एंड आई फील कि ये हम एक इस किस्म के फेस ऑफ पे जा रहे हैं जिधर ये शायद सोशल मीडिया को कर्ब कर दें, ये नेचुरली ये जुबान इनकी इधर जाने लग गई है, इनका बिल्डअप ऐसे ही होता है, पहले भी हमने देखा है और अभी भी हमें यही नजर आ रहा है। तो ये तो मेरे प्रेस रिलीज के बारे में जो है रिमार्क्स। तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आप जरा थोड़ा सा अवामी अंदाज है आपका, तो मैं असल में थोड़ा सा एक याद कर रहा था जब जनरल जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर मिले जब जनरल बाजवा साहब से, और इस उसके बाद फिर जनरल बाजवा जब जुबैर साहब की आपस में 2 मीटिंग्स हो गई और कोई थोड़ी सी हवा भी लग गई, तो फौरी तौर पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तखार आए शहीद अर्शद शरीफ के प्रोग्राम में और उन्होंने एक तस्दीक कर दी कि जो मीटिंग्स हुई हैं और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सियासी मसाइल पार्लियामेंट के फोरम पे हैं और कानूनी और अदालती मसाइल जो हैं वो अदालतें देखेंगी, दो रास्ते उन्होंने बता दिए कि ये 2 रास्ते हैं इनके ज़रिए। इसमें मैं जो देख रहा हूँ वो कहते हैं कि जी इलेक्शन नतज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन ने दिया है और हमारा फौज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं कि जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। डॉक्टर शहबाज गिल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, देखें बात यह है कि एक तो ये वजाहत बात कहते थे उसी बात को आज मैं लेकर चलूंगा कि एक तो इदारा कोई भी है वो पाकिस्तान की फौज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है। मैं यहाँ अमरीका में बार बार अमरीकी पाकिस्तानियों से बात कहता हूँ कि अमरीका जो है वो यहाँ के पेंटागन या अदालतों के ऊपर नहीं खड़ा, अमेरिका 2 इदारों पे खड़ा है, पूरा अमेरिका का पूरा सिस्टम 2 इदारों पे खड़ा है, इंसाफ का निजाम, लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज, इनकी मईशत, इकोनॉमी, इनका दिफा, इनकी मजबूती, सब कुछ दो। एक का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक का नाम रिपब्लिकन पार्टी है, सब कुछ उसके अंदर से निकलता है, जज भी वही पार्टियां अपॉइंट करती हैं। अगर वो पार्टियां गंदी हो जाएंगी, डिके हो जाएगा, तो यहाँ का इंसाफ का निजाम भी तबाह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक जजेज उन्होंने लगाने, पेंटागन के एडवाइजर भी उन्होंने ही लगाने, पेंटागन की पॉलिसी भी उन्होंने ही बनानी है, यहाँ की मईशत की पॉलिसी भी, बैंक भी, पूरी, बल्कि दूसरा कहेंगे ये सुपर पावर है तो पूरी दुनिया उन 2 पॉलिटिकल पार्टी पे। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी को तो इदारा समझा ही नहीं जाता, तो गरीब की जोरू सबकी भाभी है, जब दिल करे तो वो अजीज हम वतनों वाले जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को लम्बे डाल लेते हैं। तो बहरहाल बात यह है कि हमारे अंदर तो एहतसाब होता है साबिर साहब, एक गलती हो जाए ना, एक गलत प्रेस रिलीज निकल जाए, एक इमरान खान को गलत मशवरा दे दे शहबाज गिल उसका तर्जमान, एक 5 मिनट की दूरी पे खबर, तो मोहित पीरजादा के पास भी डायरेक्ट नंबर होता था इमरान खान का, साबिर शाकर के पास भी, अर्शद शरीफ शहीद के पास भी, हबीब अकरम के पास, सब मैसेज करते हैं ये शहबाज गिल को तो फारिग करें ना, इंतहाई नालायक आदमी आपने साथ रखा हुआ है, ये देखें आप कितनी इसने गलत स्टेटमेंट आपके बिहाफ पे दे दी है, इसको पता ही नहीं है कि इस चीज को कैसे क्राफ्ट करना था, कोई बेहतर मुनासिब बंदा रखते हैं वो भाईजान, ऐसे भी हाथ जुड़े ने को बेहतर बंदे रख लो, मैं सिर्फ है बाकी आप मारते बढ़े हैं जो आपके दूसरे डिपार्टमेंट में, उनके बारे में बात नहीं कर रहा, वजाहत के पास तो जगह भी बहुत है मार खाने की, मेरे पास तो उतनी जगह भी नहीं है। तो कहने की बात यह है कि मैं जनाब को सिर्फ ये कहता हूँ कि ISPR कोई बंदा ठीक रख लो सर। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि फॉर्म 45 आज जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 28 दिन के बाद, ब्लेटेंट धांधली उसके अंदर, नंगी धांधली आज इलेक्शन, मुझे तो लग रहा है तो यही तो बात करने दीजिएगा पूरी, मैं आपको तोड़िएगा नहीं मेरा पूरा फ्लो। फॉर्म 45 आज जारी किए हैं, मतलब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने आप को खुद कन्विक्ट कर लिया, अपने गले में पकड़ के फंदा डाल दिया। मेन उनकी अपनी वेबसाइट पे फॉर्म है जो कहता है कि नवाज शरीफ के 313 को 1313 कर दिया, 291 को 1291 कर दिया, अपने हमने एक एक साइड के ऊपर वोट चेंज कर दिए उसी फॉर्म के ऊपर, दूसरे कॉलम के अंदर भूल गए फॉर्म 45 पे अंदर चेंज करने के। तो कहने की हजूर मेरा मकसद ये है कि जिस दिन फॉर्म 45 के धमाका खेज सबूत इलेक्शन कमीशन ने खुद मान लिए
कि हजूर ये है वो जराए जिनके तहत हमने दांतली की है, वो रख दिए। उस दिन भला कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस तो होनी थी, चले आज। उस दिन आईएसपीआर में कोई बंदा नहीं था जिसने ये कहा कि आज इलेक्शन पे बात नहीं करनी चाहिए, हमें 2 दिन बाद कर लेंगे, आर्मी चीफ की तरफ से कोई मैसेज दे देंगे कुछ। एक तरफ फार्म 45 का दबाका केस दांतली सामने आती है, साफ शफाफ इलेक्शन करवाए गए हैं। उसके अंदर कहा जाता है कि हमने महफूज वो जो छित्रो छित्री हुआ ना काम सारा, जो कुटापा चढ़ाया पिस्तौल लेके अंदर, इधर से चपेड़े उधर से चपेड़े, वो सिर्फ आपको महफूज इलेक्शन का माहौल प्रोवाइड किया। जान दो, सुनो 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 डॉक्टर साहब, देखें प्रेस रिलीज 14 मैं रिजीम चेंज के बाद प्रेस रिलीज उठा के देख लें, ये फौलाद की तरह हर प्रेस रिलीज में कहा जाता था कि हम हुकूमत के साथ हैं। सुने उसके बाद ये जो है ना आपने कहा कि फंदा, ये गला आज आईएसपीआर ने यानी कि हमारी फौजी क्यादत ने ये डाल दिया इलेक्शन कमीशन के गले में, और उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये इलेक्शन साफ शफाफ हुए। ये पूरे प्रेस रिलीज में ये जुमला नहीं है कि ये इलेक्शन नहीं सर, वो तो आर्मी चीफ के पैगाम में था ना, आर्मी चीफ ने पैगाम दिया था ना इलेक्शन के फौरन बाद कि इलेक्शन साफ शफाफ हुए। देखें ये जो बात है ना, जाएगा ना, नहीं सर नहीं, ये देखें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वजाहत मेरा ख्याल है कि इसके थोड़ा सा बता देंगे, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। और अब मेरा ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है, मेरी असेसमेंट है कि अब उन्होंने कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है ना अपने लिए कि भाई अब आप जाने और ये जाने और आपस में मामला सेट कर ले, हमें जरा थोड़ा सा पीछे हटने दें। यही अल्फाज यूज किए हैं कि वी हैड नथिंग टू डू विद द इलेक्टोरल प्रोसेस जी